हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ हेल्दी विनिंग स्नैक्स बनाना वेफर्स और चिवड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मात्र 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है और बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है। और इसे बनाते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कच्चे केले को छिलना। तो कच्चे केले को छिलने का सबसे कन्वीनियंट और फास्ट वे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो केले हमें लेना है वो पूरी तरह से फर्म और कच्चे होना चाहिए। दबाकर देखने पर एकदम कड़क लगना चाहिए तो चिप्स एकदम परफेक्ट बनते हैं। कच्चे केले को छिलते और किसते टाइम अक्सर हाथ और नाखून काले पड़ जाते हैं, तो इसे अवॉइड करने के लिए या तो इस टाइप से ग्लव्स पहन लेंगे और पिलर से हम कच्चे केले को पूरी तरह छिल लेंगे, या फिर यदि ग्लव्स पहनना नहीं चाहते हैं तो हाथों पर छिलने से पहले हम इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। अब छिलने की प्रोसीजर में सबसे पहले हम टॉप और बॉटम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा इसे कट कर लेंगे। काटने के बाद किसी भी दो जगह से चीरा लगा देंगे कुछ इस तरह, और जहाँ पर से हमने कट लगाया है वो छिलका तो इजीली निकल जाता है। फिर बस अंगूठे की हेल्प से तुरंत ही सारा छिलका हम अलग कर सकते हैं। ये सबसे कन्वीनियंट और फास्ट वे है कच्चे केले को छिलने का, क्योंकि पिलर से या चाकू से केले को छिलते टाइम एक ही जगह पर 3 से 4 बार चाकू लगाना पड़ता है, उसके बाद केला छिलता है। इस केले को छिलने के बाद एक केला मैं आपको और छिल कर दिखाती हूँ कि विद इन सेकेंड्स कितने इजीली छिलका निकल जाता है। इस तरह जितने केले की भी चिप्स बनाना हो उनके ऊपर चीरा लगा के रख लेंगे और चिप्स बनाते टाइम छिलका हटाते जाएंगे और चिप्स बनाते जाएंगे। या फिर यदि 2 से 3 केले एक साथ छिल रहे हैं तो उनकी सरफेस काली ना हो इसके लिए उसके ऊपर इस तरह नींबू का रस लगा देंगे। और चिप्स बनाने से पहले एक केले को 2 पीस में कट कर लेंगे इस तरह। केले के चिप्स बनाने के लिए इस टाइप की आलू चिप्स की मशीन लेंगे और लच्छा चिवड़ा बनाने के लिए हम इस टाइप का एक ग्रेटर लेंगे, जिसमें कि लच्छे एकदम बारीक ना हो, थोड़े मीडियम साइज़ के हो। केले के चिप्स बनाने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम पर सेट कर लेंगे। अब केले का एक छिला हुआ टुकड़ा लेंगे और डायरेक्ट कढ़ाई के ऊपर हम आलू चिप्स की मशीन रखेंगे और चिप्स पीसते जाएंगे। मतलब कि हमें केले के चिप्स डायरेक्ट तेल में तलना है, ना उबालना है, ना धूप में सुखाना है और ना ही पंखे के नीचे रखना है। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है जब डायरेक्ट हम चिप्स तेल में डालें तो, कि गलती से कहीं केला तेल में छूट ना जाए। चाहे तो आप इसके राउंड चिप्स भी बना सकते हैं। चिप्स को पलट लेंगे और पलटने के साथ ही जो चिप्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं उन्हें हम झारे से चलाते हुए अलग कर लेंगे। अभी काफ़ी सारा झाग दिख रहा है, मीन्स की चिप्स पक रही है। धीरे धीरे झाग कम होता जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब कि चिप्स अच्छे से फ्राई हो चुकी है। एक बार के चिप्स में और बना के दिखाती हूँ। इन्हें हमें पूरे व्हाइट नहीं निकालना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाने देना है। मशीन को अच्छे संभाल कर पकड़ेंगे और फटाफट घिसते जाएंगे, और लास्ट में जो छोटा सा टुकड़ा बच जाएगा इसे हम हटा देंगे। बहुत ही इजीली कुछ ही मिनटों में ये चिप्स बन जाती है। फ्राई करते टाइम झाग खत्म हो जाए उसके बाद भी इसे थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे, जिससे कि ये गोल्डन कलर हो जाए और ये जल्दी से नरम ना पड़े, कुछ इस तरह। और इसके बाद इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा। अब ये चिप्स हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च, सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहे तो चाट मसाला भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। चिप्स को हम प्लेन ही रखेंगे तो इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे और साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसे हम छन्नी में रख कर ही मिक्स करेंगे और फिर टॉस करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी नमक मिर्च लगनी है उतनी लग जाएगी और एक्स्ट्रा बाकी की छन्नी में से नीचे निकल जाएगी। मसाला ऐड करने के बाद तुरंत ही इसे हम एयरटाइट पॉलीथिन में पैक कर लेंगे, जिससे कि ये नरम ना पड़े और इसे हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें। और इस तरह पैकेट बना लेने से इसे सर्व करना भी ईजी हो जाता है और रखना भी ईजी हो जाता है। सारी जितनी भी चिप्स हैं इस तरह से हम उसके पैकेट तैयार कर लेंगे। यदि लंबे चिप्स ना बनाना हो और यदि राउंड वाले बनाना हो तो उसे भी इस तरह हम घिस लेंगे। अब लच्छा चिवड़ा बनाने के लिए हम बड़े होल वाला ग्रेटर लेंगे और केले को सीधा ऑयल के ऊपर ग्रेट करेंगे। यदि आपको डायरेक्ट फ्राई करते नहीं बनता है तो इसे प्लेट में ग्रेट करके फिर उसे भी फ्राई कर सकते हैं, पर केला थोड़ा सा स्टिकी होता है तो उसे तेल में फैला कर डालना है, ताकि एक ही जगह पर सारी चिप्स ना चिपके। चिप्स के कंपेरिजन में चिवड़ा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चिवड़ा बहुत जल्दी फ्राई होता जाता है तो इसे हम एक स्ट्रेनर में निकालते जाएंगे। साथ ही थोड़ी सी मूंगफली को भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को भी स्लाइस करके फ्राई कर लेंगे।
हमने यहाँ पर केले के चिप्स गोल की जगह लंबे बनाए हैं क्योंकि वे जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। क्योंकि जितनी देर में हम एक केले के गोल चिप्स बनाकर तैयार करते हैं, उतनी देर में हम तीन केले के लंबे चिप्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। थोड़े से करी पत्ता को भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है चिवड़ा में डालने के लिए। केले के चिवड़े का टेस्ट हल्का सा मीठा होता है, इसलिए मैं इसे तीखा बनाऊंगी। तो हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे और सेंधा नमक। सारे मसालों को टॉस करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह हमारा क्रिस्पी चिवड़ा बनकर रेडी है। बिल्कुल इंस्टेंट प्रोसीजर है क्रिस्पी चिवड़ा बनाने की। तो आइए अब हम चिप्स और चिवड़ा को सर्व कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं चिप्स भी। जब हम आलू के चिप्स या फिर चिवड़ा बनाते हैं तो उसमें या तो काले पड़ने का टेंशन होता है, कभी कभी वो नरम भी पड़ जाते हैं यदि चिप्स वाले आलू यूज़ ना करें तो। परंतु केले के चिप्स और चिवड़ा में ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है, ये हमेशा परफेक्ट क्रिस्पी ही रेडी होते हैं। एक बार बनाकर इसे पूरे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ना ही नरम पड़ता है यदि आप इसे एयरटाइट बॉक्स में भरकर रखते हैं तो। और इसमें हमें कोई झंझट नहीं करना है, ना ही इसमें हमें उबालना है, ना ही सुखाना है, और बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है ये चिवड़ा और चिप्स। केला कितना पौष्टिक होता है तो आप सभी जानते ही हैं, उसे हम किसी भी रूप में खाएं वो हेल्दी ही रहेगा। तो इसे आप चाहे जितनी क्वांटिटी में चाहे जब बनाकर खा सकते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, इस तरह आप पैकेट बना के रखिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर ज़रूर से कीजिए। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस डिलीशियस चिप्स एंड चिवड़ा रेसिपी एट योर होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।